दोस्त दीपक सिंह आर एच ए, और ये इससे पहले एक चैप्टर है पेपर वन में, लेकिन लास्ट चैप्टर मैं ले रहा हूँ, छोटा चैप्टर है पेपर वन का, ध्वनि और की तीव्रता। तो इसमें डॉपलर सिद्धांत एक बड़ा फेमस है और बहुत क्वेश्चन आता है इससे कि डॉपलर सिद्धांत क्या है, डॉपलर से आप क्या समझते हैं और डॉपलर का क्या अनुप्रयोग है। तो देखते हैं डॉपलर में क्या है। डॉपलर ध्वनि पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति व्यक्ति जो है स्रोत जैसे रेल इंजन अपने स्थान पर स्थिर है, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, कुछ दूर पर आप खड़े हैं, तो जिस आवृत्ति से ध्वनि स्रोत उत्पन्न कर रहा है तो उसी तो श्रोता जैसा है आपको, अगर आप खड़े हैं एक जगह तो ऐसी सुनाई देगी, लेकिन अगर वो गति करता है या आपकी तरफ आप स्थिर हैं तो आवृत्ति बदलती है, और आप जब उसकी तरफ जाते हैं वो स्थिर है तो भी आवृत्ति बदलती है। मतलब और श्रोता मतलब आवाज़ होनी चाहिए, तो दूरी घट रही होती हो तो आवृत्ति बढ़ती हुई व्यक्ति को पता चलती है। इसे आपेक्षिक गति भी हम कहते हैं, और ये डॉपलर साहब ने 1842 में पता किया था, इसलिए इसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। और दैनिक जीवन में आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए तो सीटी की तीक्ष्ण ध्वनि से आपको ऊंची आवृत्ति पता चल जाएगी कि आप पास हैं, तो कैसा होगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम व्यंजक निकालते हैं, जैसे कि ध्वनि स्रोत गतिमान है और श्रोता स्थिर है। तो ये देखिए आप श्रोता हैं और ये वेलोसिटी है और ये आपका है मतलब ओरिजिनल ओ आपका क्रमशः, आप श्रोता हैं, ध्वनि स्रोत है आपका। तो अब इसको देखें आप, तो ये जो है अपना इस तरह से स्रोत ध्वनि स्रोत गतिमान और श्रोता स्थिर है, इसमें ये दिखा रहा है आपको, और इसका सिर्फ एक फार्मूला आपसे पूछता है जो कि चार कंडीशन बनती हैं इसमें, एक तीन कंडीशन चार कंडीशन बनती हैं इसमें, एक फार्मूला बनता है आभासी आवृत्ति, आपको क्या उसका सूत्र बताइए। तो यन डैस देख रहे हैं आप, यन डैस इक्वल टू यन वी जो उसकी चाल है और आप उसकी, और वी एस सोर्स की चाल है जो आपकी रेलगाड़ी आ रही है और ये आपकी चाल है। तो यही सूत्र अगर आप लिखें और डॉपलर सिद्धांत को समझाएं तो श्रोता ध्वनि स्रोत गतिमान है यहाँ पर और श्रोता स्थिर है, मतलब वी आप स्थिर हैं और ये गतिमान है, तो एक कंडीशन ये दी जाती है। और अगर विपरीत ये तो उसके अगर सीधी दिशा में चलने पर है, और अगर आप चलने की विपरीत दिशा में अगर आप उसके विपरीत दिशा में चलने लगते हैं तो बस छोटा सा अंतर होता है, आप देखिए यहाँ पर प्लस लग जाता है इसी फार्मूले में, दोनों ही फार्मूले सेम हैं, बस ये उसी के साइड में आप चल रहे हैं और ये उसके विपरीत दिशा में, जो आपेक्षिक आपको ध्वनि आवृत्ति यन इक्वल टू, आप जानते हैं हर्ट्ज इकाई होती है यन की और इसको आवृत्ति कहते हैं हम, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, श्रोता गतिमान है और ध्वनि स्रोत स्थिर है, मतलब श्रोता चल रहा है और ध्वनि स्रोत स्थिर, मतलब ट्रेन ट्रेन आपकी स्थिर है। तो ऐसी दशा में आपको एक सूत्र मिलता है जिसमें आप देखें, तो यन डैस यन आपकी नेचुरल आवृत्ति और वी आपकी चाल और ये सोर्स की और ये आपकी प्लस, इस तरह का ये फार्मूला आपको लिखना होता है। और अब हम आगे अगर बढ़ें तो एक तीसरी कंडीशन भी आ जाती है, ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों गतिमान है मान लीजिए, तो ऐसी दशा में यन1 अगर दोनों गतिमान हैं तो ध्वनि की दिशा देखें चित्र में, तो दोनों गतिमान हैं, तो जब दोनों गतिमान हैं तो ध्वनि की दिशा भी जो है उनकी आवृत्ति आपेक्षिक यन1 यन वी अपॉन वी माइनस वी एस, इतना ही लिखना है आपको। और जो है आपका ये ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों गतिमान हैं, तो आपको अगर इस स्रोत की चाल पता है वी एस और अपनी चाल पता है और आवृत्ति पता है तो आप आभासी आवृत्ति निकाल सकते हैं। और प्रकाश में भी डॉपलर का प्रभाव है, तो ध्वनि की तरह प्रकाश तरंगों ध्वनि प्रकाश ध्वनि की तरह प्रकाश की तरंगें भी इसमें चलती हैं, इसमें भी डॉपलर प्रभाव होता है। अगर कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी से आ रहा है तो आप आभासी आवृत्ति बढ़ती जाती है और दूर जा रहा है तो घटती जाती है,
तो इसको डॉपलर विस्थापन भी आप देखिए, एक फार्मूला देखे कह रहा है डेल्टा लैम्डा डैश मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा मीटर में ही होता है, तो विस्थापन है आपका ये, तो विस्थापन आपको ये बता रहा है। और इसी तरह से डॉपलर का विस्थापन में अगर हम देखें इसके अनुप्रयोग, तो पनडुब्बियों का वेग ज्ञात करने के लिए रडार स्टेशन में जो आप जो विमान का वेग इसी से ज्ञात किया जाता है रडार डॉपलर के से ही। सूर्य की घूर्णन गति भी जो है इसकी तरंग दैर्ध्य से मतलब डॉपलर के सिद्धांत से ही होता है। तारों और गैलेक्सी जो आपके तारे और गैलेक्सी हैं आकाश गंगा उसमें आपका इसका प्रयोग होता है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है, वी इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन सी प्रकाश की चाल है, गैलेक्सी बोलते हैं इसको। आपको गैलेक्सी जो है आपकी विश्व में करीब 10 लाख गैलेक्सी हैं और ये धीरे धीरे हमसे दूर जा रही हैं रेड कलर में। तो खगोल शास्त्री हब्बल साहब जो है इन्होंने विश्व प्रसार सिद्धांत दिया था। खगोल शास्त्री ने देखा कि लाल रंग की जो विस्थापन है ये हमसे दूर भागने की चाल इनकी दूरियों के अनुपाती होती है, अर्थात वी इक्वल टू एच आर, आर दूरी है और एच हब्बल नियतांक है, तो आर मंदाकिनियों की दूरी है, तो ये धीरे धीरे हमसे दूर भाग रही हैं। तो इस चीज़ को हब्बल साहब ने देखा था, इसलिए इसको विश्व प्रसार का सिद्धांत कहा। आप क्लास में भी और थोड़ा सा यहाँ भी देख लें शार्ट में। और आगे हम अगर इसके आंकड़े प्रश्नों पे हम जाएं तो बड़े साधारण से क्वेश्चन हैं, वही डॉपलर का प्रभाव समझा दीजिए, डॉपलर की विस्थापन समझा दीजिए, विश्व प्रसार का सिद्धांत समझा दीजिए, 5 नंबर 10 नंबर में हब्बल को बता दीजिए क्या हैं ये, और डॉपलर प्रभाव का अनुप्रयोग बता दीजिए। 3 पेज में लिखना है तो डॉपलर को समझाइए, इनकी कंडीशंस को बताइए, श्रोता गतिमान स्थिर उसका सूत्र लिखिए, और डॉपलर विस्थापन से आप क्या समझते हैं, डॉपलर प्रभाव क्या है, और ये इसके किस प्रकार प्रकाश से किस प्रकार भिन्न है। तो प्रकाश में आप जानते हैं डिस्टेंस का ही रहता है, तो उसका सूत्र हमने आपको अभी दिखाया, फिर एक बार हम देख लेते हैं सीधे सीधे आप डॉपलर का जो है प्रकाश में अगर आप हम सिद्धांत देखें तो सापेक्षता का सिद्धांत आता है इसके अंदर, और इसका फार्मूला भी एक बहुत साधारण फार्मूला अगर आप इसको लिखें तो देखिए वी डैस मतलब आभासी चाल और चाल और ओरिजिनल चाल अपान प्रकाश की चाल प्लस माइनस कड़ी में, तो इतना ही लिखना है आपको, क्लास में हम इसको समझा भी देंगे। और सवाल में तो सिर्फ इतना ही रहता है, 5 लाइन 2 लाइन सिर्फ सूत्र लिखिए और अनुप्रयोग बताइए। तो बहुत हुआ, और डॉपलर के सिद्धांत में एक चैप्टर इसके अंदर और रह जाता है जो कि जिसका नाम अप्रोग्रामी तरंगे हैं, अप्रोग्रामी तरंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और फिलहाल आपके लिए आज इतना ही बहुत काफ़ी है, और मेनी मेनी थैंक्स दीपक सिंह आरएचए, आपका दोस्त सुचिंतक, और आप मेहनत से पढ़ें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, मेरी पूरी दुआ आपके साथ है।